Hey guys, my name is Siddharth and right now I'm in Mississauga, Ontario. So, बाहर आने का सपना मेरा भी था, काफ़ी बच्चों का पूरा हो गया है, काफ़ी बच्चे अभी ये सपना देख रहे हैं, इंडिया में बैठे हैं जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लियर हो जाता है कि शुरुआत कहाँ से है. पहला स्टेप भी आयल्स का एग्ज़ाम है कि वो हमें क्लियर करना है, वो हमें समझ आ गया. लेकिन बच्चे सारे कन्फ्यूज़ हैं, मैं भी कन्फ्यूज़ था कि प्रिपरेशन तो करनी है लेकिन कौन करवाएगा, कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है, क्योंकि एन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर्स हैं. मैं खुद त्रावड़ी से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा टाउन है, हमें मेन डिस्ट्रिक्ट करनाल पड़ती है. तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने कोचिंग करनाल से ली थी, बनर्जी क्लासेस से. सेक्टर 12 में मेन ऑफिस है, बनर्जी सर हैं, गगन मैम हैं, पूरी टीम है. सो मैं आप सबको वो रिकमेंड क्यों करूँगा, मुझे वहाँ से क्यों अच्छा लगा, मेरे रिजल्ट वहाँ से क्यों आया, या और बच्चों का क्यों आ रहा है, या लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है. नंबर वन चॉइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा बनर्जी क्लासेस. रीज़न बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न क्या है, जब आप ये एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना तो आपको सबसे पहले ये क्लियर हो जाएगा पहले वीक में कि ये एग्ज़ाम अगर निकलेगा तो निकलेगा प्रैक्टिस से. जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितनी देर बैठ के लिसनिंग को खुद करके देखेगा, रीडिंग वो खुद करके देखेगा, स्पीकिंग के इंटरव्यूज़ देगा, जब तक आप इंटरव्यूज़ नहीं दोगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा, और राइटिंग जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे. सो बनर्जी क्लासेस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेली लिसनिंग वहाँ बैठ करके देखते हो, आपको डाटा मिल जाएगा, आपने वहाँ करके सब कुछ सबमिट करना है, उसके बाद आंसर मैच होंगे. सेम विद रीडिंग, वहाँ बैठ के एक घंटा पूरा एक माहौल मिलता है आपको कि सारे बच्चे बैठ के कर रहे हैं, आपको भी करना है, उसके बाद आंसर्स पता लगेंगे, उसको इवेल्युएट करो कि कुछ गलती हुई या नहीं हुई. लिसनिंग एंड रीडिंग हो गया. राइटिंग के लिए मैं क्यों सजेस्ट करूँगा, क्योंकि गगन मैम नंबर वन. क्यों मैम, खुद आप पूरी अपना यूनिवर्स में से कोई भी क्वेश्चन राइटिंग का मैम के आगे आके रख दो कि मैम मुझे इसका आंसर अभी तैयार करवाना है. दूसरे कोचिंग सेंटर्स में पता है क्या हो रहा है, उनके पास क्वेश्चन पहले तैयार है, आंसर पहले तैयार है, वो आंसर आपको समझा रहे हैं. समझा तो मैं भी दूंगा, कोई मुझे फीस देगा क्या आयल्स पढ़ाने की, बात समझाने की नहीं है, बात है क्वेश्चन आंसर जनरेट करने की. आप क्वेश्चन लेके जाओ मैम के पास, मैम वोटिंग होगी क्लास में कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है या कौन सा अच्छा लग रहा है. बच्चे सजेस्ट करेंगे कि मैम नहीं ये वाला क्वेश्चन आज हम करते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर मैम वहीं बैठ के आपके सामने बनाएंगे, आप भी बनाओगे, मैम के साथ थॉट्स मैच करोगे, फिर वो थॉट्स जब माइंड में आ गए वो लिखने कैसे हैं वो मैम आपको बताएंगे, उसमें लैंग्वेज कैसे इवेल्युएट करनी है और बेटर से बेटर कैसा हो सकता है. तो राइटिंग तो जो गगन मैम करा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और करवा सकता. और बात आई है स्पीकिंग की, बनर्जी सर ये जितनी भी हम आयल्स की ये बुक्स पढ़ रहे हैं ना, मक्कड़ वगैरह जो भी है, ठीक है उन्होंने काफ़ी सारा डाटा उठा के आपको एक थाली में परोस के दे दिया, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं. आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आपने नहीं पढ़ रखा तो क्या करोगे. लेकिन अगर माइंडसेट है कि हाँ कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, फ्लुएंसी, तो उसके लिए मैं बनर्जी सर रेकमेंड करूंगा. कोई भी क्वेश्चन, चाहे मक्कड़ की बुक का हो, कोई भी बुक का हो, आप सर से जाके क्लास में बोलो कि सर मुझे इस अगर ये क्वेश्चन क्यू कार्ड आ जाता है मेरा पेपर में तो मैं इसका आंसर क्या बनाऊंगा. सेम थ्योरी, सर आपके साथ बातचीत करेंगे, उसके ऊपर थॉट शेयर करेंगे, फिर बोलना कैसे आपको वो सिखाएंगे. और एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हर वीक आपका टेस्ट हो रहा है. मान लो आप 2 महीने भी गए तो टेस्ट नहीं है, वो एग्जाम है प्रॉपर. जैसा आप आयल्स वहाँ 15,000 भर के पेपर देते हो ना, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वो पेपर हो रहा है. अगर आप 2 महीने भी गए, 1 महीने में 4, 2 महीने में 8, 8 बार अगर आपने पेपर वहां पे बैठ के दे दिया पूरे माहौल के साथ साथ में, बच्चे बैठे हैं, एग्जाम हो रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो 9वीं बार में पेपर ना निकलना मुझे नहीं लगता कोई रीजन बनता है. 8 बार अगर आपने दे दिया, 9th टाइम पे डेफिनेटली निकलेगा. मेरा भी निकला था, आपका भी निकलेगा. स्टे मोटिवेटेड, बी हैप्पी. Bye-bye.